दिस इज द मॉल रोड ऑफ नैनीताल। लेक कहाँ है, किस तरफ से जाएं लेक में? टाइम टू लीव फ्रॉम दिस ब्यूटिफुल प्लेस। हम लोग कल थे भीमताल में, टुडे इज डे 6। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एक्सप्लोरिंग उत्तराखंड सीरीज। आई होप भीमताल का आपको ये वाला नज़ारा बहुत ही अच्छा लगा होगा। यहीं से शायद हम लोग को जाना पड़ेगा। पहले तो ATM ढूंढेंगे यहाँ से, क्योंकि ATM से पैसा भी उठाना है हम लोगों को। उसके बाद चलेंगे नैनीताल। जी हाँ, तो आई होप गाइस आप लोगों को दिख रहा है यहाँ से नज़ारा कैसा है। इतना मोटा सैडल बैग लेके जाना ही थोड़ा सा दिक्कत वाला काम है, मगर फिर भी कोई नहीं, चलते हैं यहाँ से। सारे लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं उस तरफ से, मुझे थोड़ा सा संभाल के चलना पड़ेगा। वहाँ पे एक तो बहुत ही नैरो क्रॉसिंग टाइप का है, वो भी क्रॉस करना पड़ेगा। ओके, आप लोगों को लग रहा है कि रास्ता बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक्चुअली मेरे सैडल बैग्स इतने मोटे हैं तो जाने में हो रहा है थोड़ा सा प्रॉब्लम। शायद ATM का ही पास में ही होगा। भाई यहाँ पे पास में कोई ATM है? ATM आगे है। लोगों से पूछ के जाना पड़ेगा ATM कहाँ है, क्योंकि वही फास्ट प्रायोरिटी है। अभी कैश एक्चुअली ख़त्म हो चुका है, पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, थोड़ा बचा है, लेकिन उतना कैश से कुछ होने वाला नहीं है यहाँ पे, क्योंकि पेट्रोल का कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा है, ऊपर से रूम रेंट भी बहुत ज़्यादा है इधर, क्योंकि हम लोग अच्छे अच्छे होटल्स में रह रहे हैं तो थोड़ा सा कॉस्टली एक्सपेंसिव हो रहा है थोड़ा सा। भाई तुमको पता है ATM कहाँ है यहाँ पे? ATM इस रास्ते से ही मिल गया ना? ओके थैंक यू। ओके सो इस रास्ते में ही मिल जाएगा हम लोगों को ATM। ऑलराइट, सो थोड़ा हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, अभी स्ट्रेट एकदम सीधे ऊपर चढ़ रहे हैं। होटल्स का यहाँ पे आप लोगों को कुछ दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि डिसेंट रेट में आप लोगों को बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे इस एरिया में। वाह, कैफे तो मस्त है। कैफे देखते देखते मैं ब्रेक दबाना ही भूल गया, गड्ढा था एक तो, गड्ढे में गिरा बाइक। हम लोगों को राइट में जाना पड़ेगा, राइट में जाके फिर से चढ़ना पड़ेगा यहाँ से। शायद वहाँ पे झरना होता होगा पहले, अभी सूख गया है। ऑलराइट भाई साहब, हम लोग अभी आ चुके हैं व्यू पॉइंट में, और जैसे कि आप लोग देख सकते हो पेट्रोल अभी काफ़ी फुल है, और व्यू पॉइंट से नज़ारा कुछ इस तरह के का है। ये नज़ारा आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर आप लोग भीमताल से नैनीताल जा रहे हो। थोड़ा सा फॉग है आज, इसलिए उतना क्लियर नहीं लग रहा है,
वरना और भी क्लियर होता। मैं जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को, छोटे छोटे वो होटल्स है या घर है, मुझे पता नहीं है वो क्या है, दूर दिख रहे हैं। और ये रोड भी है एक ठो, ये वाला हाँ, ये रोड जा रहा है, तो शायद हम लोग इसी रोड से नीचे आएंगे। जस्ट लुक एट द व्यू मैन, दिस इज लुकिंग टेरिबल, लाइक रियली जस्ट लुक एट द व्यू। ओके, इधर से थोड़ा सा रुक के आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ। थोड़ा सा रुक जाते हैं यहाँ पे, गाड़ी को थोड़ा सा इधर चढ़ाते हैं और आप लोग देखिए ये वाला नज़ारा काफ़ी बेहतरीन है, एकदम नीचे तक दिख रहा है वो। उत्तराखंड का यही खासियत है क्योंकि यहाँ के माउंटेन्स का हाइट बहुत ज़्यादा है। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, हम लोग अभी 4 किलोमीटर और दूर है नैनीताल से, और बढ़ रहे हैं इस जंगल से एकदम स्ट्रेट नहीं, कर्व्ड रोड से। ऑलराइट, नैनीताल इज 3 more from here, 3 kilometers only, just 3 kilometers. रोड बन रहा है शायद या धस गया होगा। अच्छा है इन्होंने कवर कर दिया है, क्योंकि रात में अगर कोई ट्रैवल कर रहा होगा तो उसको नहीं पता होगा चढ़ा देगा, और अगर चढ़ाने से एक बार स्कीड हो गया तो भाई साहब गिरेगा तो वो नीचे लेकिन जाएगा ऊपर। सांपों जैसे रास्तों के कर्व से हम लोग जा रहे हैं धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए नैनीताल की तरह। नैरो तो कोई तो ब्रिज होगा एक, तो यहाँ पे नैरो ब्रिज कहाँ है, साइन दिया हुआ था और ये एरिया ही नैरो है शायद, इसीलिए साइन दिया हुआ था मे बी। लगता है नैनीताल सिटी में घुस चुके हैं हम लोग। अरे भैया जी देख के आइए, हम लोगों को भी तो जाना है। मॉल रोड 0 किलोमीटर, दैट मीन्स दिस इज द मॉल रोड ऑफ नैनीताल। लेक कहाँ है, किस तरफ से जाएं लेक में? मॉल रोड ये है, नैनी लेक किस तरफ है? नैनी लेक का शायद हाँ आ चुके हैं। सो दिस इज द मोमेंट आई वॉज वेटिंग फॉर, अभी जाते हैं, शायद राइट लेना पड़ेगा हम लोगों को। ओके, दिस इज द मोमेंट आई वॉज वेटिंग फॉर। ओके, अभी आ चुके हैं नैनीताल में। जी हाँ, ये है नैनी लेक और यहाँ से हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। ऑलराइट, तो हम अभी आ चुके हैं नैनी लेक में और जैसे कि आप लोग देख रहे हो, बाइक एक्चुअली ऊपर पार्किंग करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे बाइक का उतना पार्किंग वगैरह कुछ है नहीं, कार का पार्किंग है लेकिन बाइक का नहीं है। तो चलो इस तरफ से चलते हैं, बोट का व्यू देखते हैं यहाँ से। वैसे तो भीमताल में हम लोग गए थे लेकिन उससे काफ़ी बड़ा है ये वाला लेक। okay.
अच्छा चलो यहीं से नज़ारा इंजॉय करते हैं, मैं कैमरे को फ्लिप करता हूँ, आप लोग यहाँ से नज़ारे को इंजॉय कीजिए। यहाँ पे बहुत सारा बोट्स है, आप चाहो तो यहाँ से बोटिंग कर सकते हो, और ये लेक में बहुत बोटिंग हो रहा है। हालांकि मैंने बोटिंग नहीं किया, कयाकिंग किया है मैंने, हिमताल में ऑलरेडी कर लिया है मैंने, इसलिए यहाँ पे नहीं करेंगे। तो लेक का व्यू कुछ इस तरीके का है। ऑलराइट, मैं पार्किंग से होते हुए वो लेक के पास से गया था, और पार्किंग से नज़ारा कुछ इस तरीके का है। मैं रुक के आप लोगों को दिखा देता हूँ थोड़ा सा नज़ारा। ओके, तो पार्किंग से नज़ारा कुछ इस तरीके का है। ऑलराइट ब्यूटीफुल पीपल, सो टाइम टू लीव दिस ब्यूटीफुल प्लेस। और अभी दोपहर हो रहा है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आज नैनीताल में ही रुक जाऊँ। प्लान तो था अल्मोड़ा जाने का, लेकिन अल्मोड़ा जाते जाते रात हो जाएगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आज यहीं पे ठहर जाऊँ, कल जाएंगे अल्मोड़ा। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। दिस इज द सोलो एक्सप्लोरर साइनिंग आउट।